मोबाइल फोन या लैपटॉप का हैकिंग का किस्सा तो आप बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आपने ब्लूटूथ हैकिंग का किस्सा सुना है, जिसे कहा जाता है ब्लू बैगिंग। ज्यादातर हैकिंग किया जाता है व्हाट्सएप या ईमेल या लिंक से या वाईफाई से या किसी ऐड के जरिए, लेकिन वहाँ पर आपको किसी लिंक के ऊपर क्लिक करना होता है या ओटीपी पासवर्ड को बताना होता है, तभी संभव है। ब्लूटूथ हैकिंग बहुत ही सिंपल है और हैकर बड़ी आसानी से आपका फोन से डाटा को लीक कर सकता है। इस हैकिंग में छोटा वाला कीपैड फोन भी बच नहीं सकता। जिस डिवाइस में ब्लूटूथ है वो सारी डिवाइस हैक हो सकता है। इस ब्लूटूथ हैकिंग को किया कैसे जाता है, चलिए जानते हैं। ब्लू जैकिंग को ज्यादातर भीड़भाड़ जगह में किया जाता है, जैसे कि रेल स्टेशन, बस स्टेशन। और नॉर्मल अगर आपका फोन में ब्लूटूथ ऑन है तो हैकर सॉफ्टवेयर के जरिए आपके फोन को हैक कर सकता है बड़ी आसानी से, आपको पता ही नहीं चलेगा। अपने आपका ब्लूटूथ हैकर के ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आपके मोबाइल का सारी डेटा चला जाएगा। लेकिन एक बात है, पुराना वाला नोकिया फोन अगर आप चलाते हैं तो आप बच सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्लूटूथ रहता ही नहीं है। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।